राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान खाद्य मंत्री रमेश मीणा भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि बस की बजाय सरकारी वाहन से विधानसभा पहुंचे हैं। इस दौरान उनसे जब खरीद फरोख्त को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने खरीद फरोख्त की बात कही है उन्हीं से जाकर पूछे ये सवाल। हमारे दोनों प्रत्याशियों को 125 वोट मिलेंगे। इसी के साथ में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि राहुल गांधी को देश की कमान को संभालना चाहिए, देश की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 9 बजे से 4 बजे का समय दिया हुआ है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि भाई हम लेट आए हैं, जल्दी समय है। अभी तो 11 बजे बता रहे हैं कि रमेश मीणा जी को बस ही छोड़ करके आ गई, या रमेश मीणा ने बस छोड़ दी? नहीं नहीं, वो सामान आ गया था, पहले बस में आ गया था मैं। आगे चल क्या रहा रमेश जी, क्या कुछ चल रहा है क्या अंदर, कुछ चल रहा है क्या रमेश जी? अभी कुछ नहीं चल रहा, राज्यसभा के चुनाव में दोनों सीटें हम जीतेंगे जी, और 125 के आस पास हमें वोट मिलेंगे। आज तो राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है, आलाकमान तक आपकी बात भी पहुंची, क्या लग रहा है रमेश मीणा के अंदर, क्या कुछ चल रहा है राजनीति, क्या करी रमेश मीणा की? आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है तो इस मौके पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं, और उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पार्टी को आके संभालें, क्योंकि जिस प्रकार विपक्ष की जो भूमिका माननीय राहुल गांधी जी ने निभाई थी, तो आज देश की स्थितियाँ ऐसी हैं, 12 चाइना युद्ध हो रहा है और देश में कोरोना की स्थिति से विकट है, तो इसमें राहुल गांधी को अपने पद पर, अध्यक्ष पद पर आना चाहिए और तुरंत संभाल कर जो ये आज जनता, देश की जनता चाहती है, युवा चाहते हैं कि राहुल गांधी आए और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करें। राजस्थान में क्या सब कुछ पटरी पे नहीं है जो राहुल गांधी जी को संभालने के लिए आना चाहिए, सत्ता और संगठन का तालमेल? देश की बात कर रहे हैं, यहाँ होगी कोई बात होगी तो हम बताएंगे ना आपको, दिक्कत कहाँ है, कोई प्रॉब्लम होगी जरूर बताएंगे। खरीद फरोख्त के आरोप भी लगे, किन किन विधायकों के पास फोन पहुंचा, क्या जानकारी मिली आपको? ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, ये तो जो लोगों ने आरोप लगाए हैं उनसे बात करें। क्रॉस वोटिंग की संभावना है? किस बात की क्रॉस वोटिंग की संभावना है? कोई नथिंग, कोई वोट की संभावना। क्या कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार कितने कितने मतों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बता दिया ना, 125 वोटों को दोनों में डिवाइड कर लो। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।